रहीम अस्सलाम अलैकुम। आज मैंने सुबह का व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए कि रात को मैं कपड़े ख़रीद के लाई थी। मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो उसको सॉर्ट आउट करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैंने आज का व्लॉग सुबह का नहीं बनाया। जो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, बाकी काम तो अल्लाह का शुक्र है करने वाले हैं कि मैं अपने आप को बिज़ी करने के लिए सब छोटे मोटे काम करती हूँ, और कुकिंग तो मैं खुद ही करती हूँ। ये मैंने आज मैं भिंडी बना रही हूँ, उसके साथ मेरे पास रमज़ान में जो चिकन आता था तो उसकी वो गर्दनें जो थी ना वो पड़ी हुई थी, तो वो मैंने अलग करके रखी थी। तो आज मैं भिंडी में थोड़ी सी गर्दनें डालूँगी ताकि वो यूज़ हो जाएं। मैंने ये सरसों का तेल 4 टेबल स्पून है ये मैंने गर्म किया है, उसके हम इसको मीठा करना कहते हैं। इसमें ये प्याज डालें, और ये प्याज जब काला हो जाए तो समझो आपका तेल जो है ना, हमारा तेल मीठा हो गया है, इसलिए इसको पहले मीठा करना ज़रूरी होता है। वरना फिर जब आप इस यूँ ही कच्चे तेल में अगर आपने कुछ डाल दिया पकाने के लिए तो वो फिर उसकी स्मेल आती है उसमें। उसके लिए मैंने ये तेल गरम किया है, इसमें मैं अभी डायरेक्ट गर्दनें डालती हूँ। अब ये तेल गरम है, इसमें मैं ये तकरीबन 1 पाव होंगी गर्दन है, ये मैं डाल रही हूँ। एक करके डालें जाके, अगर थोड़ा सा इसमें ब्लैक तो नहीं होता, वैसे लाल लाल पानी थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन हल्का सा गुलाबी गुलाबी होता है तो वो भी निकल जाएगा। वैसे अब इसमें ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैं थोड़ा सा इसमें फ्राई करूँगी, और फिर इसमें बाकी चीज़ें मैं डालूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ढक्कन रखती हूँ ताकि ये थोड़ी सी मीडियम आँच पे ये फ्राई भी हो जाएं, अंदर से गल भी जाएंगी। फिर बाद में इसके में जो भी डालूंगी मैं फिर दिखाऊंगी। ये 10 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है, इसमें अभी ये 1 पाव टमाटर है, टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च किसी भी, 1 टेबलस्पून सवा धनिया, और 1 ही टीस्पून हल्दी। इसको ढक के मैं दोबारा पका रही हूँ जब तक टमाटर मेल्ट ना हो जाएं, जब तक मैं इसको पकाऊंगी। बिल्कुल मीडियम आंच मैंने कर दी है ताकि इसको इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना हो, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। फिर इसके बाद से बाकी प्याज मसाले प्याज और ये भिंडी और कुछ डालूंगी। फिर ये वो जो टमाटर मैंने डाले थे, देखिए ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो गए हैं और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। हम लोग ज़्यादा सूखी भिंडी नहीं खाते, और विलेज स्टाइल की सब्जियां बनाते हैं। कोई भी खाना होता है सिवाय अगर कोई इंटरनेशनल डिश बनाएं या बिरयानी कोरमा तो वो डिफरेंट बनता है, वरना हमारे यहाँ खाने बहुत ही मसालेदार नहीं होते, लाइट होते हैं। बस एक आध चीज़ होती है जैसे भिंडी है, ये कम मसाले में ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। ये मैं इसमें कढ़ी पत्ते डाल रही हूँ 10, और ये 1/2 पाव प्याज है, 125 ग्राम प्याज है, इसको मैं 5 मिनट तक खुले उस पर पकाऊंगी, ढक्कन नहीं रखूंगी। प्याज जो है ना भिंडी में मेल्ट हमें अच्छे नहीं लगते, हम लोग ज़रा खड़े खड़े खाते हैं, और थोड़े से ये पकेगा 5 मिनट तक, फिर बाकी ये प्याज जो है ना भिंडी में पकेंगे। भिंडी को पे मैं ढक्कन नहीं रखूंगी, उसको हल्की आंच पे इसी तरह से पकाऊंगी। अगर आप नमक पहले से मसालों के साथ डाल देना तो फिर भिंडी लेस नहीं छोड़ती। अगर हम लोग भिंडी के ऊपर नमक डालेंगे तो ज़ाहिर नमक तो पानी छोड़ते, तो उससे भिंडी में लेस हो जाती है। अब इसको मैंने 5 मिनट तक पका लिया है,
मैं अब इसको मैं इस तरह से खुले देखती मैं पकाऊंगी, इसको ढक्कन नहीं रखूंगी। जब ये भिंडी आधी गल जाएगी तो फिर इसको मैं दम दूंगी। भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल के इससे इसको 5 मिनट दम देती हूँ और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत मज़े की भिंडी होती है, इसमें उसको आप गोश्त में बनाएं वैसे बनाएं। मैंने मुर्गी की गर्दन में बनाई है, इसको मैं दम दे के फिर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अभी मैं भिंडी को दम दे के आई हूँ। असल में सुबह से मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। रात हमारा ऑनलाइन बिजनेस है तो रात को हमारे कपड़े आ गए थे, तो बस उसको सॉर्ट आउट करते करते प्राइस लिस्ट वगैरह चेक करते रहे, तो उसमें रात बहुत हो गई थी, तो आज मैं और मेरी बेटी थके हुए थे, तो ये हमने मंगवाए हैं। ये अगर किसी को हमारा पेज चाहिए, पेज चाहिए तो हम अनबॉक्स हमें मैसेज कर दें तो मैं उनको भिजवा दूंगी। हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, मतलब फैंसी कपड़ों का भी है और ये आम कपड़े जो खाड़ी के हैं और जे डॉट्स के और निशात वगैरह के। ये 3 पीस सूट है, ये फैंसी सूट है, ये बहुत ही जे डॉट का है। ये हमने मंगवाए हैं कुछ सूट, क्योंकि पेशावर में हम लोग भेजते हैं तो वहाँ पे शादियों का सीज़न अभी इंशाल्लाह जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर में शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। ये है, ये खादी का है, खादी के हमने मंगवाए हैं और ये निशात के हैं और कुछ विंटर कलेक्शन थी तो वो सुबह हमने भिजवा दिए पाकिस्तान से बाहर किसी ने। ये यासिर वहीद का है, आपको अगर कोई कराची में रहता है तो उनको याद होगा यासिर वहीद की पहले एग्जीबिशंस लगती थी, अब एग्जीबिशन का तो मुझे नहीं पता लेकिन हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। बहुत ही 40 साल पहले के ये कपड़े हैं यासिर वहीद के, बहुत ही अच्छा कपड़ा इसका होता है, तो ये भी हम मंगवाते हैं लाहौर से, ये भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये जो जे डॉट के हैं, ये खादी के हैं, खादी के हैं ये सूट। इसमें से कुछ सुबह ऑनलाइन सेल हो गए तो चले गए हैं। ये बुनंजा सतरंगी के 3 पीस सूट हैं। ये कुछ कुर्ती है, साथ में ट्राउज़र हैं। ये भी किसी के ऑर्डर के हैं तो अभी जा रहे हैं, अभी राइडर आ रहे हैं। बस ये मैं अभी बस मैंने भिंडी को दम दे दिया, उसके बाद से हमारा खाने का टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये दिखा दूँ। हमारा ऑनलाइन ये बिज़नेस है, जे डॉट की लोन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हम लोग हमारे यहाँ ज़्यादा चलते हैं ये खादी और जे डॉट्स। तो बस अभी मैं खाने की, बस सालन तो बन गया है, भिंडी बन गई है, रोटी पका के खाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये भिंडी को मैंने दम पे रखा था, अब तैयार हो गई है, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। विलेज स्टाइल भिंडी तैयार हो गई है, इसके साथ में दही रखा है और साथ में विलेज स्टाइल मिक्स सलाद बनाई है। हम लोग इसी तरह से सलाद बनाते हैं, ठीक है जी। आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जायका केपीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें, ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।